इंदौर सहित मालवांचल में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी जलजमाव होने के कारण प्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई निचली बस्तियों को निगम द्वारा पहले ही खाली कर दिया गया है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राहत कार्य और शहर की स्थिति को नियंत्रण में रखने को लेकर नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें बारिश के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने की कोशिश किस तरह से की जाए और राहत कार्य भी जारी रहे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर नगर निगम, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की टीम शहर में राहत कार्य को लेकर लगातार लगी हुई है। वहीं अलग अलग तरह से राहत कार्य करने के साथ ही शहर के अलग अलग क्षेत्र में एक टीम के लोग पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कल से लगातार इंदौर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे तक लगभग 6 इंच बारिश हो चुकी है। उसके कारण से कल रात में 2 बस्तियों को भी हमने शिफ्ट किया है और तालाबों के आसपास की जितनी बस्तियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, उनमें पानी भरने की लगातार सूचना मिल रही है। रात भर से इंदौर नगर निगम के सारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि अलर्ट पे हैं। मधु भैया सुबह 5 बजे से अलग अलग बस्तियों में घूम रहे हैं। हम शहर के अलग अलग जगह पर घूमकर उनका मुआयना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिन बस्तियों में पानी भराया है उनमें राहत का काम भी हम शीघ्र शुरू करने वाले हैं। जहां पानी निकालने का काम था वो शुरू कर चुके हैं। पिछली वर्ष की तुलना में इस बार तालाबों की चैनल, ड्रेनेज की लाइनें सफाई करने के कारण बहुत सारी राहत शहर को है, लेकिन फिर भी इतनी बारिश होने के कारण जहाँ जहाँ भी बड़ा जलजमाव है, इंदौर नगर निगम की टीम लगातार जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट पर रहकर काम कर रहे हैं। कल रात से जैसे पानी आ रहा, कोई अनहोनी की घटना तो नहीं सुनने को मिली? अभी तक कोई ऐसी अनहोनी की घटना नहीं जानकारी मिली है। सारी टीम, सारा फोर्स अलर्ट पे है। मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि स्वयं की चिंता करें। पानी घरों में घुस रहा है तो जहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा सब प्रकार के राहत का कार्य हम करेंगे।